हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल के जी टेक्निकल। आज में आपका स्वागत है। आज का हाउस डिजाइन प्लान 28x31। इस प्लान में रहेगा 3 बेडरूम, 2 लेट बाथ, किचन, डाइनिंग हॉल, एचडीआर फिक्सिंग। इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने। इस वीडियो को शुरू करने पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर हर दिन नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। आपको एरिया में जो हाउस कंस्ट्रक्शन करने की सोच रहे, प्लानिंग करें, उन लोगों को जल्द से जल्द शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखने मिल रहा जो स्टार फिक्सिंग है, 6 इंची राइजर, 10 इंची टेट के हिसाब से जीने का फिक्सिंग के। घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ध्यान में रखते हैं जीने का फिक्सिंग के, ताकि उन लोग साथ में आसानी से चल सके। उसके बाद इस प्लान का कॉलम का सेटअप देखने मिलेगा। कलम का सेटअप पूरा कलम के एक एक करके क्लियर कर देते हैं। और इस प्लान में कलम का सेटअप देखा जाए, आउटर वॉल और इनर वॉल पूरा एक एक बाद में बताएंगे। सबसे पहले जितना कलम का सेटअप एक एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका जो टोटल इस प्लान में 14 कलम देखने मिला, लंबाई में 10 फीट रहेगा, मोटाई में 10 इंच सेटअप की। इस तरह से आप कलम का सेटअप कर लीजिएगा। उसके बाद इस प्लान का में जो वन का सेटअप देखने मिलेगा, जो एक एक करके क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आउटर वॉल को क्लियर कर देते हैं। पूरा आउटर वॉल मोटाई में 10 इंच में सेटअप किए, पूरा पीछे का साइड में जितना वॉल रहे पूरा क्लियर हो चुका है। साइड का जो वॉल है ये भी क्लियर हो चुका है। कोई फॉर्म वाले वॉल देखने मिलेगा, जो कि ये भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद इस प्लान का जो क्लेंट हाइट है भी क्लियर कर देते हैं। ये जो प्लान है रोड लेवल यानी ग्राउंड लेवल, कम से कम 2 से लेकर 2.5 फीट ऊंचा करने सेटअप करना। आपका एरिया में वाटर लाइन की वजह से जिन लोग पहले हाउस कंस्ट्रक्शन करके रखा है उसका लेवल भी देख लीजिए, उसी की वजह से आप सेट कर लीजिएगा। और इसी के कारण आपका दीवार में दरार नहीं पड़ेगा, नमी नहीं पड़ेगा, जो दीवार है सही रहेगा। और इस जो बिल्डिंग एंट्री पॉइंट स्टेयर फिक्सिंग के नीचे से होगा, ऐसे एंट्री होने वाले स्टेयर फिक्सिंग दो साइड में। इस साइड में एक बेडरूम देखने मिले, इसका जो पार्टीशन वाले भी क्लियर कर लीज। इस बेडरूम का डोर का ओपनिंग 3 फीट x 6.5 फीट का रखा है, 6.5 का जगह 7 फीट रखना चाहते रख सकते हैं। और इस साइड में एक कॉमन लेट बाथ देखने मिलेगा, और इस कॉमन लेट बाथ डोर का ओपनिंग करेंगे। इसमें 2 फीट x 6.5 फीट का रखा है, 2 फीट का जो वॉल है दूसरा वॉल के साथ कनेक्ट कर दिए। और इसलिए कॉमन लेट बाथ का डोर का ओपनिंग हो चुका है। इस साइड में बेडरूम देखने मिलेगा, और इसका जितना पार्टीशन वाले क्लियर हो चुका है। और इस बेडरूम डोर का ओपनिंग 3 फीट x 6.5 फीट का रखा है। और उसके बाद इस बिल्डिंग के बेडरूम में एंट्री होने के बाद आपके इस बेडरूम के साथ 8 लेट बाथ देखने मिला, जो कि 2 फीट x 6.5 फीट का डोर का ओपनिंग रखा है। इसका डोर का ओपनिंग हो चुका है। उसके बाद इस साइड में आप किचन देखने मिलेगा, किचन का जितना पार्टीशन वाले भी क्लियर कर दिए। पूरा सेटअप क्लियर हो चुका है। उसके बाद इस प्लान में अंदर में जितना वॉल रहेगा पूरा वॉल मोटाई में 5 इंच करके सेटअप किए। उसके बाद विंडो सेटअप देखने मिलेगा, कहाँ का विंडो सेटअप करना है आपको देखने को वीडियो के माध्यम से। इसमें 4x4 का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस प्लान में चारों तरफ विंडो देखने मिलेगा, इसके वजह से प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन हो सकेगा। और इस प्लान में चारों तरफ 3 फीट करके माप छोड़ो हिसाब से इस प्लान को आप सेट कर लीजिए। जो इसमें जो लेट बाथ है इसका जो विंडो देखने मिलेगा, और इस साइड में ये 4x4 का आप विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये पीछे साइड में इसमें भी इसका जो लाइन है मार्किंग कर लेते हैं, इसमें भी एक विंडो प्रोवाइड करेंगे, और इस साइड में भी एक विंडो प्रोवाइड करेंगे, और इसमें भी एक विंडो प्रोवाइड करेंगे। और इस साइड में भी, और इसमें भी एक विंडो रखेंगे। उसके बाद इस साइड में भी एक विंडो रखेंगे, उसके बाद इस साइड में भी एक विंडो रखेंगे। उसके बाद विंडो का सेटअप क्लियर हो चुका है। इसको इस प्लान का फाइनल मेजरमेंट रहेगा 28x31। जो इस बेडरूम का मेजरमेंट रहेगा 12 फीट इस तरह, पर दूसरे साइड में रहेगा 13 फीट 4 इंची का है। जो अटैच लेट बाथ का 4 फीट इस तरह, पर दूसरे साइड में रहेगा 7 फीट का है। और किचन का रहेगा 10 फीट 4 इंची का, दूसरे साइड में रहेगा 6 फीट 7 इंची का है। और कॉमन लेट बाथ का रहेगा 7 फीट इस तरह, दूसरे साइड में रहेगा
4 फीट का है आपको डाइनिंग एरिया में टोटल देखने मिलेगा 14 फीट 9 इंची का, दूसरी साइड में रहेगा 10 फीट 4 इंची का है, और इस साइड में दूसरे बेडरूम में रहेगा 10 फीट उस तरफ, दूसरी साइड में रहेगा 12 फीट का है, और स्टेयर फिक्सिंग में रहेगा 7 फीट इस तरफ और दूसरी साइड में रहेगा, और जो बेडरूम है इसका 9 फीट 4 इंच का, दूसरी साइड में बारह फीट का है। और इस प्लान को देखने के बाद इस प्लान से आप सेटिस्फाइड रहे तो हाउस कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो दूसरे इस प्लान का दूसरा वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल में आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हर तरह से वीडियो मिलेगा। चलता कोई अगला दिलचस्प वीडियो लगा। थैंक यू।